हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज ये देखिए वही वेस्ट जो हमने बनाया था, मूंगफली का जो दूध बनाया था उसमें जो वेस्ट बना था, बचा था, उसी फाइबर से हम बनाएंगे हलवा, जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। ये देखिए हमने ले लिया है 2 स्पून घी। गाइस, ये जमा हुआ स्पून है घी है, इस वजह से आप अगर पिघला हुआ लें तो कम से कम 4 स्पून के करीब घी ले लें। तो देखिए इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए इसका दूध वगैरह निकल गया था, इस वजह से ज़्यादा ये चिपकेगा नहीं, तो इसमें घी की मात्रा भी कम लगेगी। अगर आप वैसे पीनट भून मतलब पीस कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी चिपकता है, क्योंकि दूध वगैरह होता है उसमें, तो उसमें घी की मात्रा ज़्यादा लगती है इस वजह से। तो इसको आपको अच्छे से भूनना है, जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही अच्छी इसकी खुशबू और टेक्सचर आएगा हलवे का, बिल्कुल दाने दानेदार लगेगा, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी हलवा बन करके तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से मसलते हुए हम इसे भून लेंगे, जिससे कि बिल्कुल ड्राइनेस आ जाए इसमें और ये अच्छे से भून जाए। तो इसका कलर देख सकते हैं गाइस कि हमारा ये भून चुका है, तो आप कलर देख सकते हैं कि किस तरह से हो गया है, पहले कैसे था देख सकते हो, साइड में से स्किन स्लाइड चल रही है, और अब कैसे हो गया है भून करके एकदम यम्मी हो गया, टेस्टी बादामी कलर डार्क। तो इसको ऐसे ही भूनते भून लेंगे, 1 मिनट और भूनेंगे। एक बात और गाइस, अभी तक 2 दिन से हमारी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक और चैनल ला रहे हैं जिसमें हम आपके किचन टूल्स का अनबॉक्सिंग करेंगे और भी जो चीज़ें होंगी उनकी अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे, जो कि हेल्प मिलेगी आप लोगों को कि किचन में कौन सा सामान लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए गैजेट। तो इसमें बहुत आसानी होती है कि हम ज़्यादा हमारा वेस्ट नहीं होता है पैसा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ऐसा कि हम देख लेते हैं यूट्यूबर को और ले लेते हैं सामान, लेकिन वो हमारे काम नहीं आता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। इस वजह से हमने सोचा अपने एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये देख सकते हैं ये हमने डाल दिया है 1/2 ग्लास दूध, तो इसको डालते हुए हम पका लेंगे। तो देख लीजिएगा, हम उस चैनल का लिंक भी अपनी वीडियो में डाल देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें डाल दी है अपने स्वाद के अनुसार चीनी, तो इसको हम ऐड करेंगे और इसे मेल्ट करते हुए पिघला लेंगे, क्योंकि चीनी है गल जाएगी, दूध पड़ा हुआ है इसलिए गल जाएगी अभी जल्दी से, और अच्छे से इसका स्वाद भी आ जाएगा। देखिए इसमें आप केसर का दूध, केसर भी डाल सकते हैं कलर के लिए, चेंज करने के लिए कलर, और भी चीज़ें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मगर हम बहुत कम इंग्रीडियंट से बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए मेल्ट हो गई है चीनी, तो एकदम लिक्विडी सा लगने लगा है। अभी इसे देखिएगा आप ड्राई करेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए ड्राई हो गया है, लगभग 2 मिनट लगा, ज़्यादा देर नहीं लगी है, तो इसे हम कर लिया है ड्राई हमने, और अच्छे से घी भी दिखने लगा है इसमें, और अब हम इसे करेंगे सर्व। तो इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे हम, बादाम और काजू ही कट करके डालेंगे, तो देख सकते हैं आपको साथ में ही हम कट करके डाल देंगे इस तरह से, और कुछ बादाम चॉप रख लेंगे जिससे कि हम गार्निशिंग करेंगे। तो इसमें आप ड्राई फ्रूट में नारियल या जो भी चीज़ चाहें वो चीज़ डालकर इसे रख सकते हैं। तो चलिए देखिए अब इसे हम करेंगे सर्व, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कितना यम्मी और कितना दानेदार दिख रहा है, आपको पास से भी दिखा रहे हैं, तो इसी तरह से देख सकते हैं, देख कर ही मुँह में आ जाता है ना पानी। तो देख लीजिए इतना टेस्टी इतना यम्मी हमने बादाम से गार्निश कर दिया है। तो देखिए अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और हमारा दूसरा जो चैनल है उसको भी आप विजिट करिएगा, देखिएगा आपके हिसाब से कोई वीडियोस है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।